मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, स्कूल ऑफ एजुकेशन, उत्तर प्रदेश, राजाजी टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। आज इसके पहले हमने आप लोगों को लिटरेसी स्किल पे लेक्चर हमारा हो गया है, जिसमें हमने रीडिंग स्किल के बारे में बताया। आज हमारा मेन जो टॉपिक होना है वो करिकुलम डिजाइनिंग, पेपर एडॉप्टेशन एंड इवेल्युएशन, HI VED SE 72। इसमें आज हम आप लोगों को मेन जो हमारी टॉपिक है, डेवलपिंग लिटरेसी स्किल, Unit 8, लिटरेसी स्किल, इसके कंपोनेंट्स एंड टाइप ऑफ राइटिंग पे हम आज चर्चा करेंगे। डेवलपिंग लिटरेसी स्किल, राइटिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ राइटिंग स्किल एंड टाइप ऑफ राइटिंग, ये हमारे मेन हमारे विषय हैं आज। ऑब्जेक्टिव, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक द लर्नर विल बी एबल टू, राइटिंग स्किल का कॉन्सेप्ट क्या है जान लेगा, राइटिंग स्किल की प्री रिक्विजिट्स क्या है, उसकी पूर्व आवश्यकता क्या है, किसके बगैर हम राइटिंग नहीं कर पाएंगे, और टाइप ऑफ राइटिंग स्किल, राइटिंग लेखन के कितने प्रकार हैं, इसकी हम आज चर्चा करेंगे जान पाएगा। और एक्टिविटीज ऑफ राइटिंग स्किल डेवलपमेंट, लेखन क्षमता के विकास के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। और व्हाट आर द एरर मेड बाय द चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट इन राइटिंग, लेखन में जो त्रुटियां हैं, एरर्स हैं, एक श्रवण बाधित बच्चे किस प्रकार से करते हैं या कैसे कैसे उनके लेखन में एरर्स हैं, आज हम इसकी चर्चा इस टॉपिक के साथ करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले राइटिंग, राइटिंग क्या है? राइटिंग एक एक यानी एक लेखक के थॉट्स होते हैं, विचार, आइडियाज हैं, जो एक राइटिंग फॉर्म में हम एक फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। राइटिंग वही है, राइटिंग इज द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन वंस डिजायर, विल्स, अंडरस्टैंडिंग एंड थॉट्स। यही बताया मैंने कि यानी उसके थॉट्स को, उसकी व्यूज को, उसके दृष्टिकोण को, उसके ओपिनियन को और उसके डिजायर को, इच्छा को, ये सब चीज़ें हैं जो एक लेखन के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। तो अब इसके बाद हम और भी आफ्टर लर्न, आफ्टर द अटेनिंग सम स्किल्स इन रीडिंग, देयरफॉर अचीवमेंट इन रीडिंग अफेक्ट द अचीवमेंट इन राइटिंग। तो ये जब हम लेखन और वाचन, दो तरीके के लिटरेसी स्किल हैं, और हम ये कंफर्म होने पहले कि लेखन जो, लेखन की अपेक्षाकृत वाचन जो होता है, रीडिंग स्किल, वो अपेक्षाकृत शुरुआती दौर में जब इसके डेवलपमेंट की बात होती है तो सबसे पहले बच्चे का जो विकास होता है वो वाचन स्किल का ज़्यादा होता है, या हम कह सकते हैं जो पिलर है हमारे, एक रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। तो दो तरीके के हमारे लैंग्वेज के, भाषा के जो पिलर्स हैं, तो लिटरेसी स्किल्स के, तो उसमें एक्सप्रेसिव और एक होता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज और रिसेप्टिव लैंग्वेज। तो रिसेप्टिव ज़्यादा होता है, एक्सप्रेसिव कम होता है किसी भी साधारण बच्चे का। हम खास हम हियरिंग इम्पेयर्ड की ही बात नहीं कर रहे हैं, उसमें नॉर्मल की भी अगर हम बात करें तो शुरुआत के दौर में या कभी भी हम कहें, जैसे हमारा भी अगर कर लिया जाए, तो रिसेप्टिव लैंग्वेज अपेक्षाकृत एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ है। मैं अब आते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्री रिक्विजिट्स ऑफ राइटिंग, यानी लेखन की पूर्व आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहला है जो गुड ऑब्जर्वेशन, गुड ऑब्जर्वेशन द सेंस, मतलब हम क्योंकि लेखन करने में हम शुरुआत में अगर हम बच्चे को रीडिंग स्किल को डेवलप करा रहे हैं तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, यही चीज़ करते हैं कि पहले देखो, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, और जितना परफेक्ट ऑब्जर्वेशन होगा उतनी ही परफेक्ट उसकी लेखन क्षमता होती है। ऑब्जर्वेशन में अभी आप, हम आगे बढ़ेंगे इसके टाइप्स में, तो उसमें दिखाई देगा कि ऑब्जर्वेशन का ही एक प्रकार है जो कॉपिंग करके होता है, नकल, वो हम आगे बताएंगे अभी। तो ऑब्जर्वेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे अगर हम ऑब्जर्व करने की बात करें तो शुरुआत के दौर में अगर हम लड़कों से लेते हैं तो देखिए, अक्सर आप लोग भी देखे होंगे कि ऐसे ऐसे डॉट हैं, इस तरीके के बहुत सारे बुक होते हैं। हम बच्चे से करेंगे क्या, कर देंगे कि इसको मिलाइए, तो बच्चा शुरुआत में ये करेगा, इस सभी बिंदुओं को एक साथ मिलवाता है। तो इसमें क्या चीज़ें जरूरी है कि ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पर भी ऑब्जर्व हो रहा है, ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में बहुत सारे हम उसमें
दे सकते हैं कि स्किल्स डेवलप करना है अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, तो हम उसमें भी देखते हैं। देखिए इस तरीके से हम अगर एग्जांपल दे देते हैं, और एक हम इससे अलग हम कर लेते हैं ऐसे। अब ये ऑब्जर्वेशन है, हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि इसमें सबसे अलग कौन सा है, तो नो डाउट अगर हम जाएगा बच्चा ऑब्जर्व करेगा तो फिर ये इस पर क्लिक करेगा। तो इस तरीके के हम बहुत सारे जो शुरुआत में बच्चों के सामने रख सकते हैं कि डिफरेंट कौन सा है, बहुत सारे हम डायग्राम इस तरीके से सेम डायग्राम करके चार पांच उससे सिमिलर, या कभी ऐसा भी कर सकते हैं ये ले लिया। अब ये चार है, कौन सा सबसे डिफरेंट होगा, बच्चे ने ऑब्जर्व किया ये दिया सबसे अलग था। तो ये बहुत सारी स्किल्स है जो शुरुआती दौर में हम बच्चे के साथ कर सकते हैं, और ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, यानी लेखन को शुरुआत में ये कराना जरूरी है कि बच्चे को सीधे डायरेक्ट हम पेंसिल थमा देते हैं और उसको करना चालू करते हैं। लेकिन उसका भी मैंने यही बताया तरीका होता है, जब हम उसके बाद जाते हैं, जब हम कॉपिंग की बात कर रहे थे तो वो उसका भी एक तरीका था कि डॉट 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 करके बनाया हुआ है, सभी को मिलाने के लिए दे देते थे। शुरू में एक बच्चे के एक कॉलम में ए लिख दिया है तो उसको कॉलम पूरा भरने के लिए बोल सकते हैं कि ए ए ए ए ऐसे लिखो। तो ये भी है, कॉपिंग का ही उदाहरण है, लेकिन ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हो रहा है। तो गुड ऑब्जर्वेशन स्किल नीड टू बी डेवलप राइट फ्रॉम ए अर्ली एज। द चिल्ड्रन शुड द एक्सपोज वेरियस थिंग्स इन द हाउस इन्वायरमेंट। जो मैंने बताया बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं जो हम बच्चों को प्लान कर सकते हैं राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। फिर हम नेक्स्ट इसके प्री रिक्विजिट्स पे जाते हैं। तो नेक्स्ट है गुड आई हैंड कोऑर्डिनेशन। आई हैंड कोऑर्डिनेशन यानी ये हमारा हाथ से और आँख का। हम जब शुरुआत में बच्चे को लेखन सिखाते हैं, लिखना बच्चा चालू करता है, तो देखते हैं वो आई हैंड का मतलब हुआ दोनों चीज़ें। हम कभी कभार उसको देख सकते हैं कि वो लिखना चालू किया तो इतना ज़्यादा प्रेशर दे देता है कि कॉपियाँ तक फट जाती है। हमें यही है आई आँख का, आई हैंड कोऑर्डिनेशन का एक सबसे प्रमुख एग्जाम्पल ये आपको बच्चे को दिया जा सकता है। जैसे बच्चे से कहा जाए कि गोला बनाओ, अब वो गोला बनाएगा एकदम सेम ऐसे जाएगा, ये भी हो सकता है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए गोला सभी बिंदुओं को बुलाना। ऑब्जर्वेशन का ही एक पार्ट है, लेकिन आई हैंड कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। ये जानना कि हम जो पेंसिल या पेन या अगर वो लिया है तो वो कहां से कहां तक ले जा रहा है, इसमें हाथ और आंख का ही समन्वय काम करता है। तो इस स्किल को भी डेवलप करने के लिए बहुत सारे हैं, जैसे इसमें ग्रास एंड फाइन मोटर स्किल की बात करता है, यानी स्पीड, जो ग्रास एंड फाइन मोटर स्किल यानी हमें पकड़ इसकी अच्छी होनी चाहिए, पेंसिल को कितने एंगल पे लेना है लिखना। तो ये शुरुआत की प्रैक्टिस में हमें बच्चे को स्वाभाविक रूप से सिखाना पड़ता है कि बच्चे को कितने प्रेशर में पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, जब वो करे ऐसा ना हो कि वो फट जाए लिखने के चालू किया इतना ज़्यादा प्रेशर कर दिया। तो हम इस एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए हम उसमें बहुत सारी जो मोतियों को पिरोने की बात होती है, मोतियलिया धागे में सुई धागा, खासकर ये अक्सर ये प्रॉब्लम होती है एक मेंटल डिटॉर्डेड चिल्ड्रन के लिए, मंद बुद्धि जो बालक होते हैं आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, तो उसमें ये ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है कि उनके हाथ और ये सब की जो कहते हैं ना कि माइलस्टोन डेवलपमेंट कम होता है, ग्रास एंड फाइन मोटर स्किल डेवलप कम होता है, तो पेन वो अच्छी तरीके से नहीं पकड़ पाते। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग स्वभावतः उनको इन सब चीज़ों को देते हैं कि मोतियाँ लिया और वो धागे में पिरोना चालू किया, ये कर सकते हैं, या छोटे छोटे जो अन्न के दाने हैं जैसे मटर के दाने हो गए वो जमीन पे ऐसे है तो उठाने के लिए बोला जा सकता है, तो ये उसी से उठाएगा, एक एक दाना अगर उठा रहा है। तो इस तरीके से हम इस स्किल को भी डेवलप करने के लिए तमाम एक्टिविटीज हैं जो हम प्लान कर सकते हैं कि बच्चे का बेहतर तरीके से ग्रास एंड फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट हो जाए। तो ये तीसरा हमारा था, इसके पहले जो हमने आपको दिया था वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए, तीसरा गुड आई हैंड कोऑर्डिनेशन था। फिर उसके बाद हमने बताया क्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल के बारे में बताया जो डेवलप करना है, प्रीरिक्विजिट्स है, बगैर इसके लेखन को पूरी तरह से डेवलप कर पाना संभव नहीं होगा। फिर उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न परसेप्शन। गुड, तो पैटर्न परसेप्शन यानी क्या है,
हम जो अभी बात कर रहे थे, यानी जो अभी हम आपको इस तरीके के डायग्राम वगैरह बता के जो मैंने समझाया, ये भी पैटर्न परसेप्शन का ही एक उदाहरण है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, उसी तरीके से हम पैटर्न परसेप्शन कराने, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए हम इस तरीके के एग्जांपल को हमेशा यूज कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, हम तीसरा वाला डिफरेंट कर दिया, बच्चे से पूछ सकते हैं कि कौन सा इससे डिफर है। तो ये परसेप्शन, ये भी एक प्रकार से परसेप्चुअल स्किल है। ऑब्जर्वेशन स्किल की बात कर रहे थे, परसेप्चुअल स्किल भी सेम मिलता जुलता है, यानी परसेप्चुअल स्किल कैसा है और परसेप्शन कैसा करना है, यहाँ पे देख सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न परसेप्शन इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लर्निंग टू राइट। एक्टिविटीज लाइक ब्लॉक्स, बीट्स इत्यादि अकॉर्डिंग टू द शेप, कलर, साइज कैन अंडरटेकन। जैसे मैंने शेप बताया है, कलर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कुछ के शेप में हम ऐसे इस तरीके से किया, किसी का बड़ा कर दिया, डिफरेंट हो गया। शेप में भी कर सकते हैं, शेप का इस उदाहरण से जो मैंने लिया था ट्रायंगल में, आप इस तरीके से कर सकते हो, एक का इस तरीके से कर दिया, बीच में कोई भी ये शेप का हो सकता है, या शेप में हम दूसरा भी ले सकते हैं, बच्चे के साथ ऐसे कर दिया, फिर एक शेप इस तरीके से कर दिया, फिर एक ऐसे सेम कर दिया, तो शेप कौन सा थोड़ा सा डिफरेंट है, नो डाउट ये डिफरेंट होगा। तो ये छोटे बच्चों के लिए खासकर हमें शुरुआत तौर पर जब हम लेखन को डेवलप करते हैं, लेखन स्किल को, राइटिंग स्किल को, तो इन सब एक्टिविटीज के माध्यम से हम छोटे बच्चों को उसकी परसेप्चुअल स्किल को हम बहुत बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम गुड मेमोरी। हाँ, पैटर्न के बाद गुड मेमोरी। गुड मेमोरी यानी अगर हम लेखन की बात करते हैं, जो भी पैटर्न बच्चा सीखता है वही पैटर्न उसको बाद में भी फॉलो करना पड़ता है। जिस किसी भी अक्षर के जो वर्ड है या शब्द है, किसी भी अक्षर के शब्द के अकॉर्डिंग पैटर्न, ऑब्जर्वेशन उसका हो रहा है कि किसके बाद कौन सा शब्द आएगा, कौन सा अक्षर आएगा, ये भी कौन से एक एक शब्द के लिए कितनी स्पेलिंग, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें कैसा है कि उसको याद करने की ज़रूरत है। कि हम अनार अगर लिख रहे हैं या एप्पल लिख रहे हैं तो कौन कौन से स्पेलिंग इसमें आ रहा है। अगर मेमोरी स्ट्रांग नहीं है तो शायद उसका एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति शायद गलत हो। हमने बताया था ना कि इसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज दो तरीके की होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि अगर हम लिटरेसी स्किल को डेवलप करना है तो उसका स्मृति का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, बहुत वेल डेवलप। खासकर अगर हम आईडी बच्चों की बात करें, मंद बुद्धि बालक की बात करें, तो यहाँ पे जो उनकी गुड मेमोरी होती है वो गुड मेमोरी नहीं होती, थोड़ा सा अफेक्टेड होती है। वो किसी चीज़ को स्मरण में लाने में या धारण कर पाने में थोड़ा सा असमर्थ होते हैं, असमर्थता डिफिकल्टी होती है। तो उसका प्रभाव क्या होता है कि एक सामान्य बालक के अपेक्षाकृत उनमें भाषा का जो विकास होता है वो कम होता है। जो भी आप चीज़ें सिखाना चाहते हैं वो उनको, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में है वो तो याद आ जाता है, जिसको आज बताया कल नहीं रहा, दूसरे दो दिन बाद हो सकता है वो चीज़ें भूल जाएं, वो उनको याद नहीं रहता। तो आईडी बच्चों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन सामान्य के लिए एक अच्छी लेखन डेवलप करना है तो लेखन विकास के लिए एक सामान्य स्मृति का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक इसकी प्रीरिक्विजिट ये भी है। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। अगर हम लेखन की अभिव्यक्ति की बात करें तो हम इसको अगर हम एक जिस लेवल पे चाहते हैं, जैसे बहुत बड़ी बेहतर तरीके से हो, तो जितना अच्छा भाषा विकास होगा उतना ही अच्छा उनमें लेखन का विकास होगा, लेखन की अभिव्यक्ति उतना अच्छा कर पाएगा। कोई भी लेखक शब्द अगर उसके पास बहुत सारे, शब्द के भंडार बहुत सारे हैं, तो उसके लेखन की भी जो सृजनात्मकता है वो बहुत अच्छा हो जाती है। हर एक की अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। तो इस प्रकार इसकी प्रीरिक्विजिट में यह भी आता है कि भाषा बहुत जरूरी है। खासकर अगर हम श्रवण बाधित की बात करते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड की, तो उनके लिए लेखन क्या लिटरेसी स्किल ही एक चैलेंज होती है।
क्यों चैलेंज होगी, हम बाद में आपको अभी इसके जब इनकी इरर्स में जाएंगे तो हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन एक चैलेंज इसलिए होता है कि अगर भाषा विकास ही ज़्यादा नहीं है, एडिक्वेट भाषा नहीं है, पर्याप्त भाषा का विकास अगर बच्चे के पास नहीं है तो वो उसके पास साक्षरता का जो क्षमता है वो भी अफेक्टेड हो जाता है, और अफेक्टेड होने के बहुत सारे कारण हैं, हम उस पर इरर्स में आएंगे, हम तब उस पर थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे बीच में। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या है लैंग्वेज डेवलपमेंट सॉल्व। फिर आते हैं हम टाइप ऑफ राइटिंग, लेखन के प्रकार पे आते हैं, लेखन के कितने प्रकार हैं ये जानना है। लेखन तीन प्रकार के होते हैं, कॉपिंग, गाइडेड राइटिंग और इंडिपेंडेंट राइटिंग। कॉपिंग यानी नकल, नकल करना है, गाइडेड राइटिंग यानी किसी के निर्देशन में जो लेखक लेखन होता है, और इंडिपेंडेंट राइटिंग होता है स्वतंत्र लेखन। तो लेखन इसके एक एक करके बारी बारी से हम चर्चा कर लेते हैं। कॉपिंग मीन्स ऑब्जर्वेशन, लुकिंग एंड डूइंग द सेम। अभी हम इसके पहले एग्जांपल आप लोगों को दे सके दिए भी थे कि कॉपिंग क्या है, जैसे ऑब्जर्वेशन अभी बता रहे थे हम, ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन का लुकिंग और डूइंग द सेम। अब जैसे इस तरीके से है तो हम इस तरीके का भी उसके साथ ऑब्जर्वेशन का काम कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं, हमने लिख दिया है बच्चे को पूरा कॉपी करने के लिए बोल सकते हैं, ये है कॉपिंग का कि मतलब सेम सेम करना है। ये राइटिंग स्किल का जो पहला प्रकार है वो इसी का है, इमिटेशन ऑफ द सेम पैटर्न, डू द सेम। तो यही है मेन जो हमारा है वो है मेन ऑब्जर्वेशन, लुकिंग और डूइंग द सेम। ये कॉपिंग का मेन थिंग्स है जो हमें जानने की जरूरत होती है। शुरुआत का अगर इनिशियल स्टेज देखा जाए लेखन की चर्चा पे, लेखन के विकास पे, तो यहीं से बच्चा चालू करता है, वो कॉपी ही करता है, कॉपी करके धीरे धीरे वो इसके आगे बढ़ता है। तो जब कॉपिंग पूरी तरह से हो जाती है फिर उसके बाद आता है गाइडेड राइटिंग। कॉपिंग करना जब बच्चा पूरी तरह से सीख पाता है तो लेखन का दूसरा प्रकार आता है गाइडेड राइटिंग। गाइडेड राइटिंग का आफ्टर द लर्न टू द कॉपी पैटर्न, पिक्चर्स, वर्ड्स, सेंटेंस फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, चार्ट या बुक्स, दे कैन बी स्लोली गाइडेड टू स्टार्ट द राइटिंग अबाउट द देयर एक्सपीरियंस। तो वो अपने अनुभव की, जितना बेहतर उनका कॉपिंग रहता है उतना ही बेहतर वो गाइडेड राइटिंग। गाइडेड राइटिंग में भी हमें उसके निर्देशन में ही कराना है। बहुत सारे एक्टिविटी हैं जब हम शुरुआत में बच्चा पूरी तरह से पेन को पकड़ना और किसी चीज़ को कॉपी करके लिखना एक कॉपी पे, ब्लैक बोर्ड पे या स्लेट पे चालू कर देता है तो फिर हम गाइडेड वाला करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, गाइडेड राइटिंग वर्ड फ्रेज में आएंगे। फिर हम जब बच्चा कॉपी करना सीख लेगा तो फिर चला जाएगा वो वर्ड में, फ्रेजेज में, उसके आगे बढ़ेगा तो सेंटेंसेस में चला जाता है। फिर ये सब तीनों चीजें डेवलप हो जाती हैं तो हम न्यूज कन्वर्सेशन की बात कर देते हैं। फिर डायरेक्टेड एक्टिविटीज के माध्यम से, विजिट के माध्यम से, ये तमाम तरीके की ये चीजें हैं जो एक्टिविटीज हैं जब हम प्लान करते हैं तो गाइडेड राइटिंग उतनी बेहतर तरीके से हम करा पाते हैं। तो हम एक जैसे बच्चे ने शब्द लिखना चालू कर दिया तो शब्द को लिखना चालू कर दिया तो फिर हम यहाँ पे क्या कराएंगे, जैसे अब कह देंगे कि वर्ड में करो, वर्ड्स पे आ गया, वर्ड्स के बाद फ्रेजेस में आएगा, फ्रेजेस में आ जाना चालू किया तो जैसे राम इज अ गुड बॉय, इस तरीके से वो कर सकता है। तो फ्रेजेस चालू करेगा यदि जो भी आप उसको दे देंगे वो कॉपी करना चालू कर देगा तो ये फ्रेज में आया। फ्रेज के बाद हम चले जाते हैं सेंटेंस पे, अगर हम चलता है सेंटेंस के बाद हम, जब बच्चे का बेहतर तरीके से हो जाता है तब हम उसको न्यूज कन्वर्सेशन, क्या जो भी चीजें हमने बताया आज, जैसे हो सकता है कि हम कोई स्टोरी सुना देते हैं या वो सब कर सकते हैं तो बच्चे को बोल देंगे आज जो मैंने आज पढ़ा है आप उसको लिख के दिखाओ, ठीक है। तो वो अपने मन से भी चालू कर देता है। डायरेक्टेड एक्टिविटीज और विजिट का भी यही प्रोग्राम होता है, कहीं पे अगर हम भ्रमण कराए हैं, भ्रमण कराने के बाद हम उसको लेख लिखने के लिए, कल तुम लोग कहाँ गए थे इसका एक संक्षिप्त आप टिप्पणी लिख के दे दो,
तो धीरे धीरे स्टैंडर्ड जैसे जैसे बच्चे का बढ़ता जाता है, वैसे वैसे तरीके से वो कॉपिंग के बाद, जैसे फर्स्ट शुरुआत में आया नर्सरी में था, केजी में था, तो हमने कॉपिंग सिखाया, कॉपी करना बच्चे अच्छे से चालू कर दिया, तो फिर हमने क्या सिखाया कि अब गाइडेड राइटिंग में बढ़ गए, शब्दों पे, फ्रेजेस पे, सेंटेंस पे, या थोड़े थोड़े स्टोरी जो आपने सुनाया उसको बच्चे को कह सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है बच्चे का स्टैंडर्ड कितना है, उस हिसाब से हम कंटेंट को, विषय वस्तु का चयन करते हैं। ओके, फिर तीसरा है जो आता है इंडिपेंडेंट राइटिंग। वंस जब बच्चा गाइडेड राइटिंग सीख लेता है तब इंडिपेंडेंट राइटिंग आता है। और इंडिपेंडेंट राइटिंग में क्या है कि बच्चे को खुद, उसकी थिंकिंग लेवल, उसकी सोचने की क्षमता, उसका कॉम्प्रिहेंशन लेवल जितना होता है, बच्चा उतने अच्छे से इंडिपेंडेंट राइटिंग कर पाता है। कॉम्प्रिहेंशन लेवल, कॉम्प्रिहेंशन लेवल क्या है, जब हम बच्चे का देखते हैं, जहाँ पे बच्चे का आई क्यू लेवल कितना है, ये डिपेंड करता है उसके, कि उसका आई क्यू लेवल जितना अच्छा, उसका आई क्यू लेवल होगा उतना अच्छा उसके अंदर इंडिपेंडेंट राइटिंग डेवलप करके आती है। स्वतंत्र लेखन वही है जो बच्चा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि बच्चे का स्टैंडर्ड क्या है, लेवल क्या है, कितना मेच्योर है, अनुभव उसके पास कितना है, कितना एक्सपीरियंस्ड है, भाषा का भंडार कितना है, ये तमाम चीज़ें इंडिपेंडेंट राइटिंग में आ जाता है जब बच्चा स्वतंत्र लेखन चालू करता है। यानी कॉपिंग और गाइडेड के बाद, गाइडेड जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, गाइडेड राइटिंग उसको अनुभव हो जाता है, तो गाइडेड राइटिंग के बाद वो इंडिपेंडेंट राइटिंग करना चालू करता है। तो इंडिपेंडेंट राइटिंग, फिर उसके बाद हम चलते हैं अब एरर मेड बाय द चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट इन द राइटिंग। तो इनमें बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं जो हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये कॉन्सेप्ट हमें जानना जरूरी है कि एक सामान्य बच्चे के लेखन में और एक हियरिंग इम्पेयर जो श्रवण बाधित बच्चा है उसके लेखन में हमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को, बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। और उसकी वजह क्यों है, वजह इसलिए है कि एक नॉर्मल बच्चा जब शुरुआत में कक्षा में जाता है तो उसके बाद प्रीवियस लैंग्वेज बहुत सारे होते हैं, पूर्व भाषा के जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो बहुत मायने रखता है। एक बच्चा जब उसमें आता है, और श्रवण बाधित बच्चे के पास पूरी तरह से ब्लैंक होता है, उसके पास प्रीवियस लैंग्वेज, पूरा भाषा उसकी मेमोरी में, स्मृति में नहीं रहता है। और दूसरा एक चैलेंज जो सबसे बड़ा हो जाता है, हम शुरुआती दौर में जहाँ पे एक बच्चा को मान लिया, वहां पे एक सामान्य बच्चा कक्षे में गया है, तो सामान्य बच्चे के बाद तमाम आम, अमरूद, पेन, कलम, स्कूल बैग, ये सब तमाम शब्दों के भंडार उसके पास पहले से हैं। एक हियरिंग इम्पेयर्ड के पास क्या है, सिर्फ वो परसेप्चुअल स्किल के माध्यम से, देखने, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से देख पा रहा है, सबको कह सकता है कि हाँ ये मोबाइल है, ये पेन है, ये कलम है, वो बोलेगा नहीं, सिर्फ क्या कर रहा है, विजुअल परसेप्शन, वो सिर्फ देखा है उसको। ये अगर है, मान लिया ये फूल है, तो ये क्या वो देख रहा है, वो कह सकता है, स्मेल का वो कर सकता है, लेकिन ये फूल है ये उसको नहीं पता है। ये हुआ शब्द, ये भाषा उसके पास, एक श्रवण बाधित के पास नहीं है। जबकि एक बच्चा जब आता है, अब एक हेयरिंग इंपेयर्ड की बात और सामान्य की, सामान्य बच्चा ये भी करा है और मौखिक रूप में ये बोल भी सकता है, वर्बल वर्बल उसका प्रोनाउंसिएशन भी हो रहा है, फूल, वो बोल दिया ये फूल है। हो सकता है शब्द का भंडार पूरी तरह से लैंग्वेज के रूप में ना हो, यानी भाषाई उसको ज्ञान ना हो, लेकिन ज्ञान है, फूल है, ये बात पहले पता है। अब हेयरिंग इंपेयर्ड की अगर बात करेंगे तो बच्चा केवल ये देखा ही है, ये चीज भी उसमें निल है। फूल वो लिख नहीं पाता, ना तो बोल पाता, ना उसने कभी सुना है। अब इस स्टेज पे अगर हम लिटरेसी स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो सामान्यतः बच्चे को हम लिखना भी सिखा रहे हैं, पढ़ना भी सिखा रहे हैं और बोलना भी सिखा रहे हैं। ये तमाम एक साथ हो रही है, जबकि एक सामान्य बच्चे के लिए ऐसा नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ लिटरेसी स्किल को उस समय डेवलप कर रहा है, जबकि ओरल रूप में, मौखिक रूप में उसमें स्मृति में था कि ये फूल है, केवल शब्द आप उसने कॉपी करके लिखना चालू किया।
तो यही चैलेंज एक श्रवण बाधित बच्चे में रहता है, जो तमाम तरीके की वो गलतियां वो हमेशा अपने, जैसे वो यूज में इरर्स में अगर हम बात करें, यूज सिंपल वर्ड सिंपल सेंटेंस एंड शॉर्ट सिंपल सेंटेंस, जैसे अगर हम इन द सेंस कह लें कि उनको सिंपल का एक होता है कि जैसे राम जाता है या कह लिया, ये सिंपल सेंटेंस होता है। अब और अगर कॉम्प्लेक्स यानी एक वाक्य में अगर शब्दों के ज्यादा हो गए, एक से चार या उसका जो वो है बढ़ गया है, 6-7 शब्दों के साथ एक वाक्य बन रहा है, तो उसका पूरी तरह से प्रोनंसिएशन उनके साथ कर पाना और उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ पाना उनके बस की बात नहीं होती, क्योंकि ये पूरी तरह से कहते जैसे अभी आप आगे आपके पास होगा सेंटेंस आर रेजिडेंट स्टीरियोटाइप, सेंटेंस आर रेजिडेंट स्टीरियोटाइप यानी कैसे, जैसे अगर हम एक पक्षी की बात करें तो हम तमाम पक्षी जो वर्ड्स हैं उनको हम पक्षी बोल रहे हैं। अब एक श्रवण बाधित बच्चे को अगर लिखना होगा, कभी कभार इस तरीके के भी गलतियां लिखने वो लोग चालू कर देते हैं जो समझ में आता है, जैसे कौवा पक्षी उड़ गया। अब कौवा इसलिए बोला क्योंकि कौवे को आपने दिखा दिया कौवा कैसा होता है, काला था वो देख लिया बता दिया, परसेप्शन हुआ था, अब उसको लिखना था। पक्षी इसलिए जोड़ रहा है कि सबसे पहले आपने उसको यही सिखाया था, ये तमाम जोड़ने वाली चीजें हैं, ये क्या है पक्षी है, ये वो शब्द भी जोड़ दिया, उड़ गया ये सही है। तो ये जो शब्द है वो उसने ऐसे ये स्टूडियो टाइप वाला होता है, मतलब उनके दिमाग में पहले से है वो चीजें उसमें उकेर देगा, वो है सेंटेंस आप क्या कर सकते हैं, ये शुद्ध है या अशुद्ध है, अशुद्ध नहीं कर सकते, पक्षी लगा दिया है, लेकिन इसका ऐसे भी हो सकता था कौवा उड़ गया, यहां से भी ये सेंटेंस कंप्लीट था। तो ये उनके एक श्रवणबाधित बच्चे में ये प्रायः ऐसा देखने को हमें मिल सकता है। यूज मोर कंटेंट वर्ड लाइक नाउन वर्ब एंड कंजक्शन केसेस मार्कर एडीसी। तो अब जैसे अगर हम श्रवणबाधित की बात करें तो उसके साथ एक भी ये भी होता है कि हम ज्यादातर क्या करते हैं, नाउन यही जो है नाउन हम इन्हीं पे ज्यादा फोकस करते हैं, पेन है कलम है कॉपी है पिता का नाम माता का नाम फूल पक्षी ये तमाम इनके शब्द तो दे देते हैं, लेकिन जहां पे यहां प्रैक्टिस करना है वर्ब क्या है क्रियाओं का ज्ञान उनको कंजक्शन केस मार्कर ये सब चीजें उनके लिए थोड़ा सा सब बेहतर नहीं करा पाते, जिसकी वजह से उनके लेखन और वाचन दोनों में शुद्धियां होती है। लेखन में जैसे अगर हम बात करें में एक शब्द अगर उनको लिखना है कलम मेज पर है, सॉरी है कलम मेज पर है, अब अगर उनके पास हो सकता है तो वो अक्सर ये जो हमारे शब्द हैं प्रोनंसिएशन ये जो शब्द हैं इसमें जो वर्ब का ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं थोड़ा सा उनको समझ पाने में वो कलम लिख देंगे मेज लिख देंगे है लिख देंगे, कलम मेज है जबकि इसका अर्थ ही अलग हो जाएगा। तो ये चीजें उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उनकी व्यवहार में लाना इन द सेंस वो ऐसे चीजों पे फोकस कम कर पाते हैं। कभी कभार जैसे वाचन में भी हम लोग करते हैं कि ऐसे शब्दों पे हम जोर कम देते हैं इसलिए उनको सुनाई कम देता है, हम वहां पे ज्यादा जोर देते हैं कनेक्टिंग शब्दों में, जैसे लास्ट में जाते जाते हम शब्द में है पूरी तरह से बोलते ही नहीं है। एक ये गलतियां होती हैं एक नॉर्मल हियरिंग वाले आदमी के साथ कि वो बोलते हैं उनके बोलने स्टाइल इस तरीके से होती है, तो एक श्रवणबाधित बच्चे को हो सकता है न सुनाई देता हो, ऐसे तमाम उनके व्यवहार में ऐसे ही हो रहा है, मशीन के द्वारा वो कितना अच्छा से सुन पाएंगे और थोड़े से डिफिकल्टी ऐसे अगर हम बोले जा रहे हैं तो हर एक वाक्य में जैसे एक नॉर्मल मैं बोल रहा हूँ तो उसमें अगर देखा जाए तो सब हम मैं जो भी अभिव्यक्ति कर रहा हूँ अपने स्टाइल में कर रहा हूँ, हर एक बोलने की एक तरीका होता है उसी के हिसाब से,
बहुत सारे अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की आग स्पीच अगर सुन सकते हैं तो वो कई सारे शब्द केवल बोलते थे, केवल उनका पब्लिक उसके बाद तालियां बजा देती, लिप मूवमेंट हो पाता था। तो वो तरीके का अगर किसी का प्रोनंसिएशन अगर तरीके से है तो यानी हम ये केवल बताना चाहते थे बहुत सारे केस मार्कर या कंजक्शन वर्ड या प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जिसका इंटेंसिटी और इस लाउडनेस जो होता है बहुत धीमा हो जाता है, बच्चे सुन नहीं पाते। हम तो अपने व्यवहार में जैसा है वैसा बोलते रहते हैं और लेकिन उनका जो विजुअल परसेप्शन है, ऑडियो परसेप्शन है, वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये तमाम गलतियां उनके देखने को मिलती है। मेक एरर ऑफ एडिशनल अननेसेसरी वर्ड, जैसे मैंने बताया था अभी इसके पहले ही हमने चालू किया था कि अननेसेसरी वर्ड यानी क्या है, कौवा पक्षी उड़ गया, ये अननेसेसरी वर्ड है, पक्षी को जोड़ना नहीं चाहिए था लेकिन कौवा पक्षी उड़ गया ऐसा उसने बोल दिया। फिर हम मेक एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का भी हमने आपको एग्जांपल बताया कि कलम मेज पर है कि जगह पे पर वो छोड़ दिया, तो ये ओमिशन का एक उदाहरण हो गया। ओमिशन की बात कर रहे थे हम, ओमिशन में जैसे मैंने बताया था कलम मेज पर है, अब पर वो नहीं लिख पाएंगे, कलम मेज है, ये शब्द शायद पूरी तरह से सही नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा, तो ये ओमिशन का एक उदाहरण है। सब्स्टिट्यूशन का अगर उदाहरण मैंने बताया था कि कौवा पक्षी उड़ गया, अगर हम इस तरीके का ले लें कौवा पक्षी उड़ गया, तो ये पक्षी लगाना उनके शायद पहले के अनुभव जो उनका रहा है, क्योंकि हम लोग पहले उड़ने वाले चीजों को पक्षी का नाम दिए रहते हैं, तो वो कौवा भी लिख रहा है पक्षी भी लिखिया है, तो ये किसका सब्स्टिट्यूशन का उदाहरण हो गया, यहाँ पे मैंने पर के लिए लिखा है तो ये ओमिशन का उदाहरण। तो ये तमाम तरीके की जो गलतियां हैं एक श्रवण बाधित बच्चे के लेखन में देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा भी कुछ है जो हमारे एरर ऑफ वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंस, ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे शब्दों के जो क्रम है वो उनका वाक्य में शब्दों के क्रम को भी वो इधर उधर कर सकते हैं, ये देखने को मिल सकता है। तो ये उनमें हो सकता है रिडंडेंट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, मेक एरर इन स्पेलिंग, पंचुएशन मार्क्स, यूज इनकरेक्ट टेंस मार्किंग। इनकरेक्ट टेंस मार्किंग मतलब अगर एक बेहतर है तो हम उनको भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों तरीकों को समझ पाना थोड़ा सा उनके लिए कठिन हो जाता है, हम खासकर उनको समझा पाने में असफल होते हैं, हम जान तो जाते हैं लेकिन उनके लिए ये समझा पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, जो हमें बाद में उनके लिए होता है। अच्छा, ये चैलेंजेस होता है इसलिए है उनके लिए, थोड़ा सा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन उनका श्रवण बाधित बच्चों का एक सामान्य बच्चे की अपेक्षाकृत थोड़ा सा प्रभावित होता है। अगर हम बात करें कॉन्क्रीट और ऑब्स्ट्रैक्ट की तो यही चीज़ें होती हैं, यानी हम जो उनको सिखाते हैं ज़्यादातर हम मूर्त चीज़ों पे काम करते हैं, मूर्त और अमूर्त चीज़ें उनके उसमें नहीं हो पाती, ये उनके लिए डिफिकल्टी हो जाती है। तो लैंग्वेज का लिटरेसी स्किल का पूरी तरह से भाषा पे डिपेंड है, भाषा अगर पूरी तरह से विकसित है तब हम उतना ही बेहतर तरीके से हम साक्षरता क्षमता को बेहतर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। लेकिन श्रवण बाधित का चूंकि भाषा ही प्रभावित होता है, हम ज़्यादातर नाउन और इसम में बात करते हैं, इनकी वो दे देते हैं लेकिन उनका जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन लेवल है वो बहुत बेहतर नहीं हो पाता है। और ये अफेक्ट बहुत सारे करते हैं, जैसे अगर हम हियरिंग इम्पेयर्ड की बात करें तो वो अफेक्ट करता है जो जितना जिसका हियरिंग लॉस हो, टाइप ऑफ हियरिंग लॉस कितना है, नेचर ऑफ हियरिंग लॉस कितना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली हम इस पे कंक्लूजन में हम यही चीज़ें हम ला रहे हैं कि एक श्रवण बाधित बच्चे की अगर हम बात करें तो उसके लिए भाषा सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और भाषा अगर सबसे इसके बहुत सारे फैक्टर हम जान पा सकते हैं, इसके अगर हम बात करें कि इनमें हम सुधार कर सकते हैं तो अर्ली चीज, अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन,
ये बहुत जरूरी है. आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन, वो भी अर्ली. अर्ली इसलिए जो भाषा का अगर विकास है तो वो अर्ली एज में, क्रिटिकल एज में अगर हम कर पाते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो पाता है. अगर हम एज के साथ हमें उनका इंटरवेंशन प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन दोनों जितने जल्दी, जल्द से जल्द, आज सुविधाएं इतनी है, जितना जल्दी हम कर पाते हैं उतना अच्छा परफॉर्म हो कर पाएंगे भाषा पर. और जब भाषा पर जितना अच्छा परफॉर्म हो जाएगा उतना ही उनके लिटरेसी स्किल पर परफॉर्म करेगा. भाषा अगर प्रभावित है तो साक्षरता क्षमता भी प्रभावित हो जाता है, खासकर श्रवण बाधित के लिए. तो आज के लेक्चर में हम आपको बताया कि क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं एक श्रवण बाधित बच्चे के साक्षरता स्किल को डेवलप करने में. और उसमें हमने वाचन और लेखन दो तरीके की बात की है कि वाचन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और लेखन में क्या क्या. आज के टॉपिक में मैंने लेखन को लिया और एक श्रवण बाधित बच्चे के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकता है लेखन को डेवलप करने में, उस पर हमने चर्चा किया. और नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों के साथ फिर से मिलेंगे जो इसका इस पेपर का मेन पार्ट है एडॉप्टेशन का. तो एक श्रवण बाधित बच्चे के लिए एडॉप्टेशन हम कैसे कराएंगे उस पर चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर पर करेंगे. थैंक यू.